मैं सर मोहन नागपाल कंप्यूटर प्रशासन संघ प्रधान जिले का कुरुक्षेत्र। साथियों, आज हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम था यहाँ पे, और डी साहब के नाम ज्ञापन था सरकार के नाम, और जिसमें हमारी मांगे थी, जिसमें मुख्य मांग के रूप में हमें जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, जिसके अंदर हम सभी कार्यरत हैं, उसको सेंट्रलाइजेशन किया जाए। उसका वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अब तक लागू है, जिसको सारा प्रशासन डिस्ट्रिक्ट का देखता है, उसको हम चाहते हैं कि वो एक सेंट्रलाइजेशन हो जाए, उसका बजट का प्रावधान उसमें हो जाए। तो एक तो ये हमारी मांग है जी, और दूसरी हमारी मांग है कि हमारी जितने भी कंप्यूटर प्रशासन लगे हुए हैं, इन सभी को लगे हुए आज 15 से 20 साल हो चुके हैं, सभी बहुत समय से ये अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और प्रशासन का काम बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सभी सरकार को नंबर वन बनाने में, जो डिजिटलाइजेशन में सरकार दावे करती है कि हमारी नंबर वन है हमारी सरकार, उसमें इन कंप्यूटर प्रोफेशनल का बहुत ज़्यादा योगदान है। आज तक जितने भी एक डिजिटलाइजेशन का फर्जे का है, रजिस्ट्रियों का है, ऑनलाइन का, जितने भी सरकार दावे करती है, चाहे PPID है, ये जितने भी काम है सरकार के ऑनलाइन के, सारे ही कंप्यूटर प्रोफेशनल कर रहे हैं, दिन रात एक करके अपने काम कर रहे हैं, और कोई समय सीमा नहीं काम कर रहे हैं। हम सुबह 8 बजे से 9 बजे से शुरू हो जाते हैं और शाम को 7-8 बजे तक काम करते रहते हैं, वो हर छुट्टी वाले दिन भी हम लगे रहते हैं कि सरकार का ये काम पूर्ण हो जाए। लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी पोस्टें हैं ये कंप्यूटर प्रोफेशनल की, ये सारी सैंक्शन हो जाएँ, इनके पद सृजित हो जाएँ, ताकि सरकार की कल को कोई भी पॉलिसी रेगुलराइजेशन की आए तो उसमें हम सभी शामिल हो जाए। हमारी ये दूसरी मांग है सर। और सरकार ने 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा कर दी हमारे सेवा नियम लागू करने की, और घोषणा तो मीडिया में तो एक्चुअल में कर दी, लेकिन वो धरातल पर वो घोषणा सही तरीके से लागू नहीं हुई। हम चाहते हैं कि वो सेवा नियम, जो कि कुछ इस ढंग से बना दिए गए कि वो हमारे सिर्फ 5-10 बंदे ही पूरे हरियाणा में कवर हुए, जो कि नाम मात्र कवर हुए, हम चाहते हैं कि वो सेवा नियम सही तरीके से दोबारा से लागू किए जाए, जिसमें हमारा पूरे का पूरा कंप्यूटर प्रोफेशनल पूरे हरियाणा का उसमें शामिल हो जाए। ये हमारी तीसरी सर मुख्य मांग है। तो आज हमने डी साहब के नाम ज्ञापन दिया है, और उसके बाद हमारा 9, 10, 11 का, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर का पूरे हरियाणा के कंप्यूटर प्रोफेशनल का, शाहबाद से लेकर वाया साहा होते हुए अम्बाला जिले से होते, जो कि 3 जिलों से पैदल हमारी पद यात्रा है, वो शाहबाद से चलेगी और पंचकुला मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी, जिसमें अगर सरकार हमारी मांग पहले पूरी कर देती है तो हम चाहते हैं कि हम सरकार की वाहवाही करते हुए हम रास्तों से गुजरें। यात्रा तो हमारी होनी होनी है, हम चाहते हैं कि हम वाहवाही करते हुए सरकार की वहां से गुजरें। लेकिन अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम दुखी न होते हुए कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ हम चलते हुए वहाँ से पैदल यात्रा ये करेंगे। तो मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, जल्दी इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि ये कंप्यूटर प्रोफेशनल आपको फिर से नंबर वन बनाने में पूरा सहयोग। मुख्य तौर पे ज़्यादा बड़े अधिकारी कौन कौन आने वाले हैं आपके साथ? स्टेट लेवल के कोई अधिकारी हो, कोई आपकी है जो प्रवक्ता, कोई ऐसा मेन चेहरा होगा? हमारा सर मेन चेहरा श्री हमारे जो प्रधान है विजय जी हैं, हमारे राज्य प्रधान श्री विजय सिंह जी हैं, भिवानी से हैं सर वो हैं, और उसके बाद हमारे संगठन मंत्री श्री अवा सिंह जी हैं, ठीक है, और हमारे महामंत्री श्री सुशील कुमार जी हैं, और हमारे भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हमारी ये यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ का भी हमारे ऊपर पूरा का पूरा सहयोग है, और हम सभी संगठन भारतीय मजदूर संघ मिलकर और हमारा संगठन मिलकर हम जल्दी ही ये लंबी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ने वाले। पंचकुला कहाँ पर आप सभी एकत्रित होंगे? हम सभी पंचकुला मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे जी, शाहबाद से मुख्यमंत्री आवास तक पंचकुला पहुंचेंगे। कितनी संख्या रही है? कितनी संख्या है? हमारी संख्या कंप्यूटर प्रोफेशनल की पूरे हरियाणा में 3000 के लगभग ये संख्या है, और तकरीबन हम सभी 3000।